हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूं। और आपने तो बहुत सारी इडलियां खाई होगी, बहुत तरह की इडलियां खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूं उसका नाम है क्रिस्पी इडली। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत स्पंजी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए बना के, और मुझे विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब के बगल में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो क्रिस्पी इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सेमोलिना यानी कि रवा लिया है, जिसे सूजी भी कहते हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लेना है। और कुछ करी पत्ता लिया है, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता आप वो ले सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और आधा कैप्सिकम मैंने लिया है, शिमला मिर्च, और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का कद्दूकस करके लिया है। और थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता ले रही हूँ यहाँ पर, और 2 मिर्च ले रही हूँ, और 1 प्याज को मैंने कट कर लिया है इस तरह से। और 1 चम्मच मैंने यहाँ राई का दाना और खाने वाला सोडा लेना है। और अब मैं यहाँ पे दही को फेंट करके उसमें मैं सूजी डाल रही हूँ। दही को अच्छे से फेंट लेना है, उसके बाद इसमें सूजी डालना है। और अब मैं इसमें जितना चीज़ लिया हुआ था वो सारे को इसमें डाल लेना है। जैसे प्याज को मैं यहाँ डाल रही हूँ, कैप्सिकम डाल रही हूँ, शिमला मिर्च, थोड़ा सा मिर्च, हरी मिर्च डाल रही हूँ, धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और लहसुन अदरक जो मैंने कद्दूकस करके रखा था वो मैं ले रही हूँ। और ये सारे को अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद इसे मैं थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। और अब मैं तड़का पैन में मैंने यहाँ पे पैन को गर्म किया हुआ है, तड़का पैन को, उसमें मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ। और उसमें मैं थोड़ा सा राई का दाना लूँगी, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ राई का दाना लिया हुआ है। और राई का दाना के साथ उसके बाद मैं यहाँ पे करी पत्ता ले रही हूँ। तो करी पत्ता दोनों चटकने के बाद अच्छे से इस पेस्ट में हमें उसे डाल देना है, जो पेस्ट अभी मैंने तैयार किया हुआ था। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ। और उसके बाद बेकिंग सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें अब मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच मैंने यहाँ लिया। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसे अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से फेंट ले रही हूँ, अच्छे से मिला ले रही हूँ। और इसे फिर से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। और अब मैं फिर से उसी तड़का पैन में, जिस पैन में मैंने यहाँ तड़का लगाया था, उसी तड़का पैन में मैं फिर से थोड़ा सा तेल ले रही हूँ। और उसमें थोड़ा सा राई का दाना ले करके उसे चटकने तक वेट करूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर उस पेस्ट को डाल दूँगी। इस तरह से चारों तरफ हमें तेल को लगा लेना है, फैला लेना है, और बीच में हमें उस पेस्ट को डाल देना है इस तरह से। शेप देते हुए उस पेस्ट को हमें अच्छे से रख लेना है उसमें, और उसे एकदम लो फ्लेम में हमें पकने के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं, और बीच बीच में आप थोड़ा चेक भी कर सकते हैं। तो इसे लो फ्लेम में मैं यहाँ पकने के लिए छोड़ दी हूँ। अब मैं और इसे क्रिस्पी होने के लिए थोड़ा सा तेल मैं और ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसे मैं ढक दी हूँ। और फिर थोड़ा देर बाद इसे मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए, और मैं इसे पलट रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी टेस्टी हमारी क्रिस्पी इडली बनी है। और इस तरह से हमें दूसरी तरफ भी पका लेना है अच्छे से। दूसरी तरफ पलटने के बाद हल्का सा मैं यहाँ तेल ले रही हूँ, और उसके बाद फिर से उसी तरह ढक के पका लेना है। अब ये अच्छे से रेडी हो चुकी है, ये देखिए। दूसरी तरफ मैंने पलट लिया है इसे, ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है। और इसी तरह मैं दूसरा भी ले रही हूँ। इसी तरह मैं यहाँ तेल डाल के उसमें
थोड़ा सा मैं उसमें राई का दाना डाल के चटकने के बाद मैं उसका वो पेस्ट रख रही हूँ जो मैंने बनाया था, और उसे आप इसे सर्किल शेप इडली की जैसा शेप दे सकते हैं। और देने के बाद इसे उसी तरह से पकाना है, उसी प्रोसेस से। ये देखिए इसी तरह से इसे हमें सर्किल शेप देते हुए इडली के जैसा इसे अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम में, और थोड़ा सा ऊपर से हल्का तेल ले लेना है जिससे कि और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाए। अब मैं इसे पलट रही हूँ, ये देखिए आराम से धीरे से पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से करके इसे मैं थोड़ा सा मैं ढक रही हूँ। ढकने से ये क्या होगा कि ये अच्छे से फूलेगी और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनेगी। ये देखिए मैं इसे चेक कर रही हूँ, देखिए फिर से मैं हल्का सा तेल लेके इसके चारों तरफ मैं घुमा ले रही हूँ, और इस तरह से देखिए ये क्रिस्पी इडली, मज़ेदार इडली रेडी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, और ये जितनी क्रिस्पी दिख रही है उससे ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। आप भी इसे जो ट्राई कीजिए, देखिए ये कितनी स्पंजी है और कितनी टेस्टी होती है। ये आप इसे खाने के बाद ही आप इसका स्वाद का पता लगा सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।